मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोड़ा था और वो लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और उसने बहुत ही कम उम्र में MIT स्कूल में एडमिशन ले लिया था और उसे स्पेस एंड साइंस में काफी रुचि थी और वो आगे MIT स्कूल में स्पेस एंड साइंस के बारे में ही आगे की पढ़ाई करने वाली थी। MIT स्कूल में एडमिशन हो जाने के लिए उसने अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी रखी थी और रोड़ा अपने दोस्तों के साथ बहुत ही इंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने घर के लिए लौट रही थी और रास्ते में ही उसको रेडियो में न्यूज से पता चलता है कि चांद के नजदीक एक अर्थ जैसी दिखने वाली प्लेनेट अचानक से आ चुकी है और ये खबर सुनते ही वो आसमान की ओर देखने लगती है और आसमान की तरफ देखते हुए वो कार को भी ड्राइव कर रही थी और इसलिए उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सामने में खड़ी एक और कार को जोरदार टक्कर मार देती है। उस कार में 3 लोग बैठे थे, जॉन, उसकी वाइफ और उसका बेटा, और टक्कर के बाद रोड़ा काफी घायल हो चुकी थी पर किसी तरह वो अपने आप को संभालती है और वो उस अगली कार के पास पहुंचती है और देखती है कि कार के बगल में एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ा था और ये सीन यहीं एंड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस कार एक्सीडेंट की वजह से रोड़ा को 4 साल की सजा हुई थी क्योंकि उस एक्सीडेंट में जॉन की वाइफ और उसका बेटा दोनों मारे गए थे और अब 4 साल की सजा काटने के बाद रोड़ा जेल से बाहर आती है और रोड़ा के पेरेंट्स उसे लेने आए थे और फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे अपने घर में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं क्योंकि वो अपने घर 4 साल बाद आई थी और इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अगले दिन वो उसी जगह पर जाती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो जॉन को देखती है जो कि उस कार में था और वो वहां उतरकर एक पोल के नीचे अपने बच्चे की याद में एक खिलौना रखकर चला जाता है। और अब रोड़ा भी घर आ जाती है और अपने एक्सीडेंट वाले हादसे को नेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में उस आदमी की वाइफ और उसका बच्चा दोनों की मौत हो जाती है और रोड़ा वहां नेट से उसके एड्रेस को निकालती है ताकि रोड़ा उसके घर जाकर उससे माफी मांग सके। और अगले दिन वो उसके घर भी जाती है और वहां जाकर वो जॉन को देखती है जो कि बहुत ही उदास बैठा हुआ था। वो अपने वाइफ और बच्चे के मौत के गम में था और रोड़ा अपने आप में ही बहुत ही गिल्ट फील करती है और जॉन को बिना कुछ कहे वो वहां से जाने लगती है और बर्फीले रास्ते में कुछ दूर जाते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बर्फ पर नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं और उसे बर्फ में एक आदमी ने देख लिया था और अब रोड़ा ठीक होकर जैसे ही अपने घर पहुंचती है वो अब अंदर ही अंदर अपने आप में गिल्ट महसूस कर रही थी और अब वो ठान लेती है कि जब तक वो जॉन से माफी नहीं मांग लेती वो अपने आप को माफ नहीं करेगी और इसलिए वो जॉन के घर जाती है और वहां जाने पर वो फिर से जॉन को कुछ भी नहीं कह पाती और तभी रोड़ा ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि वो एक मेड है और उसके घर काम मांगने आई है। और अब जॉन घर को साफ करने के लिए रोड़ा को अंदर बुला लेता है। रोड़ा यहां मौका ढूंढने लगती है ताकि वो जॉन को हकीकत बता सके पर उसे वो मौका नहीं मिलता और वो बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। अगले हफ्ते रोड़ा फिर उसके घर जाती है और उसके घर को साफ करने के बहाने वो थोड़ी हिम्मत जुटाने लगती है ताकि उसे सच्चाई बता सके पर अब भी उसकी हिम्मत नहीं होती। और फिर एक दिन जब वो जॉन के घर से वापस आ रही थी तो वो अपने घर में एक मैसेज टेलीकास्ट को सुनती है और वो मैसेज उस दूसरी धरती से आ रहा था जो कुछ साल पहले ही अचानक से चांद के सामने आ गया था। और अब उस टेलीकास्ट में उसे पता चलता है कि दूसरी धरती में सेम वैसे ही साइंटिस्ट मौजूद है जैसा कि इस धरती पर है और उनके नाम बिल्कुल सेम है बल्कि उन दोनों के बचपन के मेमोरीज भी एक जैसे हैं। और अब सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि दूसरी धरती दरअसल अर्थ की कॉपी है। और अब रोड़ा दूसरी धरती पर जाने का प्लान बनाती है और अगले दिन वो फिर से जॉन के घर जाती है और अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब वो दोनों बहुत ही इंजॉय करने लगते हैं। और अब रोड़ा एक दिन जॉन के घर से वापस आती है तब उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दूसरी धरती पर जाने के लिए उसके एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया है और ये खबर वो सीधा जाकर जॉन को बताती है और अब जॉन उसे वहाँ जाने से मना करता है पर अब रोड़ा हिम्मत जुटाकर जॉन को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि उसकी बीवी और बच्चे के मौत के जिम्मेदार वो खुद है क्योंकि उस एक्सीडेंट में उस दूसरे कार को ड्राइव करने वाली वो खुद थी। और अब ये सच्चाई सुनकर जॉन काफी गुस्सा हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो चिल्लाकर रोड़ा को घर से बाहर जाने को कह देता है। और अब रोड़ा अपने घर पहुंचती है और उसे अपने घर के बाहर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर मिलते हैं क्योंकि दूसरी धरती पर जाने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी क्योंकि दूसरी धरती पर बस कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाजत मिली थी। और अब वो घर के अंदर आती है तो उसे घर के टीवी पर एक प्रोफेसर का इंटरव्यू देखती है और वो प्रोफेसर ब्रोकन मिरर इफेक्ट के बारे में बता रहा था और उस प्रोफेसर का ये मानना था कि जिस समय हमने उस दूसरी धरती को देखा उस समय हमारे और उस धरती के बीच कुछ न कुछ अंतर शुरू हो गया था क्योंकि एक मिरर के टूटने के बाद हमें टूटे हुए मिरर के हर एंगल से एक दूसरे कोने की ओर दिखता है और ठीक वैसे ही उस दूसरी दुनिया में जरूर कुछ अलग हुआ होगा जिसकी वजह से हमें वो धरती दिखने
लगी। और अब रोड़ा ये इंटरव्यू सुनकर सोच में पड़ जाती है और उसे लगता है कि उस दूसरी धरती पर शायद जॉन की फैमिली जिंदा होगी और उनका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ होगा। और अब रोड़ा भागती हुई जॉन के घर जाती है, पर जॉन दरवाजा नहीं खोलता। और अब रोड़ा खिड़की से उसके घर के अंदर चली जाती है। और अब जॉन बहुत ही गुस्से में था और वो रोड़ा को मारने वाला था। और रोड़ा उसे माफी मांगते हुए मिरर इफेक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि शायद उसकी फैमिली उस दूसरी धरती पर जिंदा होगी और वो अपने दूसरी धरती में जाने वाली टिकट को वहाँ छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम रोड़ा की जिंदगी को काफी नॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं, क्योंकि उसका मन बहुत ही हल्का हो चुका था क्योंकि उसने जॉन से माफी मांग ली थी। और फिर रोड़ा न्यूज में देखती है कि जॉन ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और उसकी जगह पर वो दूसरी धरती पर जा रहा था। और अब रोड़ा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें 4 महीने बाद रोड़ा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आ रही थी, पर तभी उसे रास्ते में अपनी एग्जैक्ट कॉपी दिखती है। और यहाँ ढेर सारे कंफ्यूजन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।